हाईवे से जाते हुए अचानक बॉबी की कार के आगे एक जानवर आ जाता है। उस मासूम जानवर की जिंदगी बचाने के लिए बॉबी एक शार्प टर्न लेता है, लेकिन जानवर को बचाने के चक्कर में उसकी कार एक गहरी खाई में जा गिरती है। बॉबी की हड्डियां पसलियां एक हो गईं, वो बेहोश हो गया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब वो सुबह जागा तो बिल्कुल भला चंगा था। वो किसी से लिफ्ट लेकर घर पहुंचा और नहाने चला गया, लेकिन जब वो नहाकर बाहर निकला तो उसने पहुंचने के लिए तौलिया नहीं उठाया, बल्कि उसने कुत्ते की तरह झूम कर खुद को सुखा लिया। उसे खुद के इस व्यवहार पर थोड़ा आश्चर्य हुआ तो उसने जाकर शीशे में देखा। उसे अपना शरीर आज काफी मस्कुलर दिखाई दे रहा था। बॉबी खुश था और वो इसे बनाए रखने के लिए दौड़ के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके भागने की रफ्तार असामान्य रूप से बहुत अधिक थी। वो इतना तेज भागता है कि एक घुड़सवार को भी पीछे छोड़ देता है। घुड़सवार इस बात से आहत हो जाता है और उससे रेस लगा देता है, लेकिन बॉबी बहुत तेज भागता है और उसे पीछे छोड़ देता है। वो एक गार्डन में पहुंचता है जहां एक आदमी अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था, और जब एक आदमी अपने कुत्ते की तरफ फ्लाइंग डिस्क फेंकता है तो बॉबी तेजी से भागकर उछलते हुए डिस्क को अपने मुंह से पकड़ लेता है। लेकिन बॉबी खुद में आए इन बदलावों से बहुत परेशान हो जाता है और मदद के लिए अपने दोस्त से जाकर मिलता है, जो एयरपोर्ट पर